नमस्कार, न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में आपका स्वागत है। अभी अभी कुछ देर पहले एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक भारतीय पायलट को पाकिस्तान की सीमा के भीतर गिरफ्तार किया गया दिखाया गया है। वीडियो में भारतीय वायुसेना की वर्दी पहने व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बंधी है। यह व्यक्ति खुद को विंग कमांडर बताते हुए अपना नाम अभिनंदन बताता है। इस व्यक्ति की वर्दी में अंग्रेजी में उसका नाम अभी लिखा हुआ है और वह व्यक्ति अपना सर्विस नंबर भी बता रहा है। इस वीडियो में यह व्यक्ति सवाल पूछ रहा है कि क्या वो पाकिस्तान के कब्जे में है। अब सवाल यह उठता है कि यदि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में है तो उन्हें भारत वापस कैसे लाया जा सकता है? क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था? तो आइए हम आपको बताते हैं। जी हाँ, कारगिल वार आपको याद होगा, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी एक 26 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट कर्नल नचिकेता पाकिस्तान के कब्जे में थे और बाद में उन्हें भारत के हवाले किया गया था। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान में जी पार्थ सारथी भारतीय उच्चायुक्त थे। पार्थ सारथी 1963-1968 के दरमियान भारतीय सेना के भी अधिकारी रह चुके हैं। तब नचिकेता के कैसे भारत वापसी हुई थी, इस पर पार्थ सारथी ने मीडिया को यह बताया था। कारगिल युद्ध के समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता मिग एयरक्राफ्ट में थे। उन्हें यह आदेश दिया गया था कि वे नियंत्रण रेखा पार नहीं करना है। युद्ध के दौरान उन्होंने मिग से आक्रमण किया, लेकिन जब नीचे आए तो मिसाइल ट्रैक से उनको उतारा गया। पाकिस्तान ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। कुछ दिन बाद मुझे पाकिस्तान से विदेश मंत्रालय से संदेश मिला कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि, आपको बता दें तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि नचिकेता को रिहा कर दिया जाए। ये उनकी तरफ से सद्भाव का संकेत था। उन्होंने कहा कि हम उन्हें रिहा करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा कहाँ मिलूँ आपसे, उन्होंने कहा कि जिन्ना हॉल आइए। मैंने पूछा कहाँ, तो उन्होंने कहा जिन्ना हॉल। मुझे पता चला कि जिन्ना हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप उनकी वापसी करते हैं तो वहाँ मीडिया होगी या नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ। इस पर मैंने कहा कि असंभव है, जो युद्धबंदी रहे हैं आपको साथ उसको रिहा करते समय मीडिया रहेगी, जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा। उन्हें अगर दुनिया की मीडिया के सामने उदाहरण बनाकर पेश करेंगे तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप उनको निजी तौर पर हमें दें। मैंने दिल्ली को सूचित किया तो वहाँ से कहा गया कि आपने सही किया। इस पर दिल्ली और एयर चीफ ने कहा कि ठीक किया आपने। बहरहाल आने वाले समय में यह दिखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से कारगिल वार में लेफ्टिनेंट के नचिकेता की वापसी भारत ने करा ली थी, नरेंद्र मोदी सरकार भी कोई ऐसा कदम उठाती है, ऐसे इससे जुड़ी कोई भी अपडेट्स हम तक पहुँचती है, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। न्यूज़ बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी है। हमें दे इजाज़त, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।